ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में मस्त चमक रही है यार। तो आज कुछ अलग, कुछ नया। सबसे पहले तो कितने दिन बाद बाइक स्टार्ट कर रहा हो यार। हश बेबी, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट दे देता हूँ इसको, क्योंकि बहुत टाइम के बाद गाड़ी स्टार्ट किया हो, बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉगिंग में अलग ही लग रहा है यार। अरे यार, जब पानी की तो गाइस, आज का कंटेंट आपको बता देता हूँ कि अभी थोड़ा हम लॉन्ग राइड करने लग चुके हैं, तो अभी सेफ्टी मैटर करता ही है भाई, पहले से सेफ्टी मैटर करता है। तो मेरे पास बाकी तो स्टफ़ है, मतलब जैसे कि जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट, अच्छा खासा चीज़ है मेरे पास। मगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि नी गार्ड लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लॉन्ग राइड कर रहे तो बोल नहीं सकते खुदा ना खास क्या हो सकता है हमारे साथ। इसके लिए सेफ्टी के लिए भाई अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाने के। तो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ नया नी गार्ड लेने के लिए। तो एज ऑलवेज मुरली के शॉप पे जाने वाला, उसको पूछ के रखा हो भाई कौन सा नी गार्ड अच्छा है तेरे हिसाब से। तो बोला है तो आ, मैं देता हूँ देखो बराबर। तो अभी उसी के शॉप में जाना है हम लोग को। बात है, सबसे पहले सब आप लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने हेलमेट्स के दो ब्लॉग बनाए थे वो दोनों ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप लोगों को यूज़फुल हो रही है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक्स जो आपको अगर लगते हैं ये चीज़ के ऊपर मैंने कोई और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो कमेंट में आप लोग बताया करो मेरे को कि कौन से चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। हम लोग फॉर श्योर उसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे ही बनाएंगे। और अभी तक जो लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखे होंगे ना, इधर आई बटन में लिंक आ रहे होंगे, दोनों ब्लॉग के लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन के अंदर, तो आप डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके दोनों ब्लॉग देख सकते हो। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की है। और आज भी मैं जा रहा हूँ तो डायरेक्ट बाय नहीं करूँगा, आपको पता है मैं जो चीज़ मैं बाय करता हूँ पहले मैं खुद वो चेक कर लेता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर कर लेता हूँ, फिर मैं वो चीज़ के लिए जाता हूँ। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज भी मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग में पूरी बताऊँगा कि नी गार्ड कौन सा है, क्या है, सेफ्टी वाइज कैसा होना चाहिए, सब उसका बोल रहे प्रॉन्स एंड कॉन्स सब बताऊँगा मैं आप लोग को। तो ब्लॉग में बने रहना, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी सीधा उसके शॉप पे जाके मिलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि लोकल में गाड़ी चलाने में ना इतना बोलते ना हेक्टिक लगता है ना सीरियसली, तो डायरेक्टली शॉप से ही मिलता हूँ आपको जाके। तो ये हम आ गए मुरली भाई के शॉप पे। साफ सफाई अभी शॉप ओपन किया लगता है। चलो आते फटाफट। और मुरली भाई साफ? नहीं नहीं भाई, राइड के लिए अभी अपने को टाइम ही किधर मिलता है, बस संडे। मुरली भाई बताओ, नी गार्ड बताओ यार। धीरे धीरे अपन जा रहे, एक एक स्टेप जा रहे आगे। कुछ राइड प्लान किया क्या? हाँ है, सस्पेंस है मगर। अच्छा, वो राइड का शॉपिंग चालू है? हाँ, धीरे धीरे चालू हो गया अभी। हाँ, ऐसा कुछ सोचा है क्या तूने कि ये पर्टिकुलर निगर चाहिए करके, कुछ प्लान करके आया या मैं सजेस्ट करूँ कुछ? नहीं, तुम ही सजेस्ट कर लो, ऐसा मेरे से ज्यादा तुमको मालूम है, तुम बता दो कौन सा ज्यादा सही रहेगा। सूट होना चाहिए। हाँ, बाइक को सूट होना चाहिए भाई, भी सूट होना चाहिए थोड़ा अच्छा सा। तो फिर तो दो ही ऑप्शन आपके पास, बट फिर भी कोल्को का ले, कोल्को का अच्छा है। अरे ये दो देखते हैं, दोनों भी सेम है क्या? अलग अलग मॉडल है? नहीं, अलग अलग मॉडल है। ये है K11 का मॉडल और ये है K12 का मॉडल। अलग K11 दिखा रहा था। हाँ, K11
ये इसके स्ट्रैप्स हैं, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स। तो ये एडजस्टेबल स्ट्रैप तो स्कोरको का क्वालिटी का, ये वाला क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये स्ट्रैप का। हाँ, बाकी सब में मोस्ट ऑफ सब लॉक से रहता, इसमें स्ट्रैप्स रहता। ये दोनों हो गए तेरे एल्बो एल्बो, और ये दोनों हो गया तेरा नी। अब जब तेरे को मैं K12 दिखाऊंगा ना, तो तू ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। इसका पूरा ये दो सेट है, इस टू एल्बो इस टू नी। तो अब देख इसमें पूछ ले कि देखो क्या ऐसा क्या चीज है। अच्छा ये नॉर्मल है, बायोनिक में नहीं आता है ना? बायोनिक में नहीं आता, ये एकदम नॉर्मल है। वो ये डिफरेंस मैं जो बोल रहा था K11 और K12 का डिफरेंस। अच्छा K12 बायोनिक है। K12 बायोनिक है और K11 बायोनिक नहीं है, एकदम नॉर्मल है। बट क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। इनिशियल राइडर जो भी मतलब फर्स्ट टाइम फुल सेट लेने से अच्छा जो स्टार्ट करता है वो इससे स्टार्ट करता है, मतलब एल्बो और नी प्रोटेक्शंस के साथ। हाँ, इसके लिए भी मैं सोचा अभी अपडेट करना चाहिए। तो फिर वो ये और नी और ये नॉर्मल जैकेट पहन के सेफ्टी प्रोटेक्शन में ये गार्ड्स पहन के वो कवर कर लेता है। अच्छा प्रोटेक्शन है, बहुत अच्छे। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा मटेरियल है, ये पीपी मटेरियल से बनता है। हाँ, सॉफ्ट मटेरियल है। और तेरे नी, हाँ इसमें एक ये ऑप्शन है कि देखो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच कर सकता तू इसको, मतलब इसके अंदर तो देखा था तो कि ये बेल्ट है, किसी में रहता नहीं है, तो ये फिर ऐसे ही रहना चाहिए, या फिर ये पार्ट नहीं रहता यूजुअली किसी में, तो ये एक ऐसा एक है। बट ये बायोनिक नहीं बोल सकते इसको। हाँ, मगर थोड़ा देर है वैसा। थोड़ा एज इन बाइकिंग पोजीशन अपन ऐसा फोल्ड होता है ना, हाँ हाँ, उसमें वो एक कम्फर्ट मिलता है देखो K11 में, तो वो एक अच्छा पॉइंट है इसमें। ये देखो चारों में मिलेगा। अच्छा सर, एल्बो में वैसे ही है ना, क्योंकि बाइक पोस्चर टू लेने के बाद तो सभी फोल्डेबल है तेरे हाथ पैर दोनों। तो ये देख, ये ऐसा ओके एडजस्टेबल स्ट्रैप ऐसा रहता है कि तो मतलब कभी कभी गाड़ी चला जाता है देखो लूज भी हो गया ना। तो ये एक्सपीरियंस है ऐसा, उसको मैं बोल नहीं सकता कि फीचर है करके, होता है मतलब पहनने के बाद नीचे ऊपर होता रहता हो, इसको पकड़ के ऐसे ऊपर कर लेने का। ओके ये हो गया K11, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। ब्लैक तो ऑल टाइम फेवरेट कलर ही है सबका, यूनिवर्सल कलर है। तेरी गाड़ी को सूट भी होगा ये। हाँ, मेरा तो वही पहले माइंडसेट रहता है कि पहले बाइक को सूट हो जाए। नहीं, मेरा मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मैं रखता हूँ तो ब्लैक ही रखता हूँ। तो ये हो गया तेरा K11 ना। अब अपन देखेंगे, तो ये हो गया K12। इसमें तो देखेगा तो सिर्फ दो ही सेट है ज़्यादा इसका ही। देख मैं जो बोल रहा था, जैसे कि उसमें रहता है स्ट्रैप, इसमें रहता है लॉक, इसका ओनली ये नी प्रोटेक्शन है। तो ये हो गया तेरा बायोनिक, तो मतलब थोड़ा सेक्सी लुक भी रहता है, मतलब दिखने इतने में भी एकदम। फिर इसके लॉक्स जो है, ये हो गए इसके लॉक्स। लॉक क्या ये क्या एडजस्ट करने का, नॉर्मल बेल्ट को कैसे अपन एडजस्ट करते हैं वैसे। बाकी सेम मटेरियल है इसका भी, बहुत फ्री एकदम फ्री एंड कंफर्ट वाला प्रोडक्ट है ये स्काइको का K12। दिखने में प्रीमियम दिख रहा है मगर पहले प्रीमियम दिखता है स्काइको का। स्काइको के ग्लव्स, स्काइको के नीकर्स बहुत प्रीमियम दिखते हैं। एक्चुअली एक गुड ब्रांड है मार्केट में स्काइको का, और मेजोरिटी ऑफ दी जितने भी स्पोर्ट्स के रहते वो लोग स्काइको ही प्रीफर करते हैं। अच्छा, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी वाइज में वो मैच कर रहा स्पोर्ट्स के गाड़ी को। मतलब इसके कंपेयर तो देखना, तो इट्स अ बेसिक वन ना, तो पीछेस भी वैसा फर्क है ना, तो इसके लिए वो मॉडल्स दो अलग अलग है, तो वी कैन नॉट कंपेयर की सेम कंपनी का है बट दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। ये बेसिक है, ये थोड़ा सा प्रीमियम है, तो यही देखते हैं, ट्राई कर लोगे इसको। सही है ना, राइट लेफ्ट।
गार्ड पहना ना, मतलब कोई भी कंपनी का नी गार्ड पहने का यू ट्राई ना, हां पहने का उसको वॉकिंग भी करते देख लेना, उसका फिर एक्चुअल कंफर्ट तब पता चलता है। एंड बहुत वेटलेस भी है, इतना वेटफुल वेट भी नहीं रहता यूजुअली, और भी दूसरे थोड़े वेटेड रहते इससे कंपैरेटिव में। एकदम फ्लेक्सिबल है, हाँ लग रहा भी नहीं है निकल वेयर किया है करके, बहुत अच्छा वीडियो है। और पूरा नहीं हो रहा है अपना आराम से बैंड, नहीं तो नी गार्ड डालने का पता है ना पैर पूरा फोल्ड भी नहीं होता। तो देखो वो फील भी नहीं होता रहेगा कि तूने नी गार्ड पहना है। हाँ ना, यूजुअली राइड करने का जिधर भी अपन रुकते हैं ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत वजन है पैर में, निकाल लेते नी गार्ड, बट इसमें इतना वेटलेस है नहीं। मैं अभी तक ट्राई किया ही नहीं नी गार्ड कभी, राइड भी नहीं किया वो डाल के। चॉइस वाला प्रोडक्ट है एक्चुअली, रुकते पब्लिक इसके लिए, मतलब देखना लुक भी मस्त दिख रहा है अपना, तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। प्राइस प्राइस ये जाता है 3800 तक, ये जाता है 2700 तक, ये 2700 मगर इसमें एल्बो भी साथ में इसके लिए ना। हाँ, इसमें पूरा। और ये कितना? और ये 3800। ओके, तो कस्टमर को डिस्काउंट डिस्काउंट देके थोड़ा सा हम लोग कम करके दे देते, सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो, ये दिखने में बहुत अच्छा लुक देता है एक्चुअली, और बहुत प्यारा लुक देता है। तू तेरी गाड़ी पे जो देख रहा है वो तो सूट भी करेगा देखो तेरी गाड़ी पे। ये वेंटिलेशन के लिए रखा है क्या इधर? है ना थोड़ा सा ऐसा प्योर वेंटिलेशन तो देखो मिलेगा नहीं, क्योंकि तू देखेगा ना पूरे बॉडी में देखो ये फोम तो है ही है उसमें, बट हल्का सा वेंटिलेशन देखो देना ही पड़ता है। ये इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, तो ये वाले पार्ट में एकदम अच्छी तरह से है, बट तेरा साइड से प्रोटेक्शन अच्छा है इसका, ये शार्पनेस देख ऊपर है इसका, तो प्रोटेक्शन वाइज तो बहुत अच्छा मटेरियल है, तो अच्छी तरह से देख ले इसको। हो गया देख ले अभी, तो करते हैं इसको ही फाइनल करते हैं क्योंकि मस्त दिख रहा है। यप श्योर, हाँ कुछ डिस्काउंट वगैरह रखो यार, बस का यार दे देंगे, बस इतना है कि डिस्काउंट कस्टमर इधर विजिट करने का ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो गाइज यही फाइनल कर रहा हूँ, ये एक तो देखने में भी सही दिख रहा है और प्रोटेक्शन वाइज भी सही है, तो इसी को हम लोग फाइनल कर रहे हैं, तो बाय करके मिलता हूँ आपको मैं। चलो मुरली भाई मिलते हैं। हाँ भाई, हाँ चलो एक और नई चीज़ ऐड हो गई अपने इसमें, अच्छा लग रहा है। अभी तुम लोगों को भी हिंट लग रही होगी कि कोई लंबी राइड मेरी निकलने वाली है, इसके लिए इतना सब चल रहा है, तो बस अभी फ़िलहाल तो हिंट ही दे सकता हूँ आप लोगों को, एक लॉन्ग राइड निकलने वाली है और अच्छी खासी लॉन्ग राइड निकलने वाली है, तो काइंड ऑफ मेरा बहुत कब से प्लान था लॉन्ग राइड का, और बोलते ना लॉन्ग राइड मतलब ये सिर्फ वन डे नहीं है, अभी ये एक हफ्ता चलने वाली राइड है हमारी, तो एजम कर सकते हो। और चलो बाद में अभी पूरा बाइक पर मिलता आपको। ऑल राइट, सो चलो नी गार्ड लेके हो गए, अभी जल्दी एक बार उसको डाल के पहले एक राइड करके देखेंगे कितने कंफर्टेबल है, तो उसका भी एक बार रिव्यू तो मैं ऐसे आपको जनरली दे ही दूंगा कोई ना कोई ब्लॉग में जब मैं उसको यूज़ करूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको पता चला होगा, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज Signing off.